एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ की टीम आगे बढ़ते हुए ब्लॉक ठाकुर द्वारा स्थित शहवासपुर कला गांव पहुंची। लगभग 4200 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से तो 65 किलोमीटर दूर, जबकि ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान मिस्किन जहां है। गांव में राशन कोटेदार, सफाई कर्मी व चौकीदार भी तैनात दिखाई दिए। इस ग्राम पंचायत में कुल वोटरों की संख्या लगभग 1950 नजर आती है, तो वहीं राशन कार्ड धारकों की संख्या 620 दिखाई दी। बात अगर शिक्षा की करें तो गांव में लगभग 300 या 325 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते नजर आते हैं, जो शिक्षा की बेहतर स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान समय में प्रधान प्रतिनिधि ने कैमरे से बात करते हुए बताया कि उनके द्वारा गांव में 8 सड़कों का निर्माण, 90 मीटर नाले का निर्माण व 56 शौचालयों का निर्माण भी किया गया है। साथ ही साथ इन 56 शौचालयों यानी इज्जत घरों को ग्रामीणों को वितरित भी किया जा चुका है, जिससे ग्रामीणों को खुले में शौच ना जाना पड़े और सरकार की मुहिम स्वच्छ भारत में वे अपनी भागीदारी निभाते हुए भी नजर आए। उन्होंने बताया कि गांव में उनके द्वारा 6 आवास भी वितरित किए जा चुके हैं, जिससे पात्रों को खुले में रातें ना बितानी पड़े। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में पानी की पूर्ति करने के लिए लगभग 42 हैंडपंप लगवाए गए हैं, तो वहीं 400 बिजली के पोल व 3 बिजली के ट्रांसफार्मरों के द्वारा गांव में बिजली व्यवस्था को भी दुरुस्त कराया गया है। मेरा नाम मिस्किन जहां है और मैं शहवासपुर कला की ग्राम प्रधान हूं, और मैंने 8 आवास बनवाए हैं और 10-11 सड़क निर्माण करवा दिए हैं नाली सहित, और मैं चाहती हूं कि मेरे गांव को ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और मेरे गांव ग्राम पंचायत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय शहवासपुर कला तहसील ठाकुर द्वारा जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत शहवाजपुर कला से मैं प्रधान अध्यापक बोल रहा हूँ। और ये जो बिल्डिंग है काफ़ी समय से जर्जर है। मेरी जो है पोस्टिंग यहाँ से 2015 की है, तब से ही पहले से ही जर्जर है, मैं कई बार लिख के दे चुका हूँ। और यहाँ पर जो है 98 बालक और 100 बालिकाएँ शिक्षा कार्य के लिए आती हैं, और अधिक छात्र संख्या होने के कारण कमरे भी जो है पर्याप्त नहीं है, जिसमें कि 3 कमरे हैं, 1 भूकंप रोधी है और 2 ये सामने जर्जर हैं, बिल्कुल पूरी स्थिति बैठने लायक नहीं है। बरसात का पानी जो है बारिश में, बरसात के मौसम में यहाँ पे भर जाता है, बैठना हमारा भी दुश्वार हो जाता है। हम तो कुर्सी पर बैठते हैं, बच्चे किस तरह बैठेंगे फर्श पर, जब यहाँ पे पूरा गीला हो जाता है नीचे से, तो बच्चे बिल्कुल उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर वो इसको तोड़ने के बाद पुनः इसका जो है निर्माण करा दें तो बहुत ही हम उनके आभारी रहेंगे। और प्रधान जी का प्रयास भी कार्यरत है, चल रहा है काम इसमें, लेकिन ये मरम्मत लायक मुझे नहीं लगता कि मरम्मत के बाद इसमें पूरी तरह से संतुष्टि हो पाएगी, बच्चा यहाँ पर सही से बैठ पाएगा ऐसा हमें लगता नहीं है। पानी चलता है यहाँ तक, देखो ये जो निशान लगा हुआ है यहाँ तक पानी आता है इसमें। दूसरी बात, अंदर ये प्राथमिक विद्यालय शहवाजपुर कला का पिछला हिस्सा है, और यहाँ पर जो है काफ़ी अतिक्रमण है और काफ़ी बड़ी झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ हैं यहाँ पर जो है, बरसात के मौसम में कीड़े अंदर घुस जाते हैं, सांप वगैरह जो बच्चे हैं बैठते हैं उनका हर समय खतरा बना रहता है। और ये साफ़ सफाई अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमारे हित में और विद्यालय हित में काफ़ी अच्छा प्रयास रहेगा।